तो दूसरी प्रतिज्ञा बाबा साहब ने जो हमें दिलाई वो दिलाई कि मैं राम और कृष्ण को कभी भी अवतार नहीं मानूंगा और ना ही कभी इनकी पूजा करूंगा, ईश्वर का अवतार नहीं मानूंगा ना ही कभी इनकी पूजा करूंगा। आखिर राम और कृष्ण इनको अवतार मानने की धारणा क्या है? क्योंकि हिंदू धर्म की फिलॉसफी ये कहती है, ब्राह्मणवाद ये कहता है कि राम और कृष्ण ये हिंदुओं के अवतार हैं। केवल यही नहीं, उन्होंने तो भगवान बुद्ध को भी विष्णु का दसवां अवतार माना। तो राम और कृष्ण को अवतार किसको माने हम अवतार? अगर वो ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वर का प्रतिरूप हैं, तो क्या उन्हें कभी अन्याय और अत्याचार होता हुआ दिखा नहीं? अगर राम के विषय में बात कहें तो राम ने तो स्वयं इतने अत्याचार किए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक ईश्वर भी ऐसे इतने अन्याय कर सकता है। मैं अगर एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दिखाऊं, तो क्योंकि राम और ब्राह्मणवाद की व्यवस्था थी कि शूद्रों का पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो राम के जमाने की बात है, रामायण में इसका उल्लेख है बाकायदा, कि शूद्र समाज के शंबूक ऋषि उस समय शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, उस समय वो तपस्या कर रहे थे, और एक ब्राह्मण के कहने पर राम ने शंबूक ऋषि का वध किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शूद्र थे और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो क्या हम इसलिए अवतार माने उन्हें, इसलिए ईश्वर का अंश माना जाए उन्होंने कि एक निर्दोष व्यक्ति की केवल शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही जो वो प्रयास कर रहे थे उसी आधार पर हत्या कर दी हमने, इसलिए अवतार हम माने? और केवल यही नहीं, राम के विषय में तो एक बहुत ही और सारी चीजों को भी छोड़ दें तो जिस कदर उसने महिलाओं पर अत्याचार किए, अन्याय किए, इसका कोई दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। और वो भी अन्याय अपनी रानी पर, सीता पर किया। क्या कसूर था सीता का? सीता की दो बार अग्नि परीक्षा ली, दो बार अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी उन्होंने उस समय सीता को घर से निकाल दिया जिस समय वो गर्भवती थी। और गर्भवती महिला को घर से निकालना एक इससे बड़ा अन्याय और अत्याचार क्या हो सकता? तो क्या हम उसे ईश्वर माने? राम के विषय में केवल यही नहीं, एक कितने ही उदाहरण है। अगर हम देखें तो बाली के साथ में जो युद्ध हुआ राम का, तो राम ने बाली को भी छुपके मारा, भाई तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर के अवतार हो, सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, आमने सामने जाके क्यों नहीं मारते? लेकिन मालूम है कि वो बाली के सामने आते ही बाली उनका काम तमाम कर देगा, इसलिए धोखे से पेड़ के पीछे से छुपके धोखे से बाली को तीर मारा और मारा। क्या यही ईश्वर कहता है? इसलिए इतने कैसे कितने ही उदाहरण है। और अगर हम कृष्ण के ऊपर भी चले जाएं तो कृष्ण की 16,000 जो गोपियां हैं, जो प्रेमिकाएं हैं, वो मानी जाती हैं, तो क्या ईश्वर इस तरह की रासलीला अपनाते हैं? आज की तारीख में अगर आप करें इस तरह का, कोई भी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दे, कोई भी बदतमीजी कर दे, यहां तो कृष्ण तो नदियों में नहाते हुए गोपिकाओं के कपड़े भी उठा के ले गए, क्या इस तरह का हो जाए तो मुकदमा नहीं हो जाएगा? 354 का मुकदमा हो जाएगा, और जिस तरह की बदतमीजी की 376 का मुकदमा हो जाएगा। तो क्या इसलिए हम उनको ईश्वर का अवतार माने? ऐसा कोई भी कार्य न तो राम का न कृष्ण का इस धरती पर है जिसको हम उन्हें ईश्वर या ईश्वर का अवतार माने। इसलिए, और ये सब ब्राह्मण धर्म के आधार बिंदु हैं, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं कभी भी राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार नहीं मानूंगा और ना ही कभी इनकी पूजा करूंगा। ये आदेश उन्होंने हमें दिया, हमें भी इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि अकारण उन्होंने कोई भी बात कही नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।